दोस्तों आज 18 अप्रैल 2019 है और आज आप सभी के लिए सरकार की तरफ से हम एक बड़ी खबर लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, इस खबर से पूरे देश में रह रहे नागरिकों का फायदा हो सकता है। आपको बता दें ये खबर सीधे सरकार की तरफ से है। आपको बता दें जो जो देश का नागरिक पहली बार अपना घर लेगा उसको सरकार की तरफ से उसके बैंक खाते में 2,67,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी खबर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सरकार किन किन लोगों को पहली बार घर पर ये पैसे दे रही है, साथ में कैसे दे रही है, आप इसे कैसे ले सकते हैं, यही सब टोटल जानकारी। तो अगर आप भी पहली बार घर लेंगे और अगर आप भी सरकार की तरफ से इतने रुपए पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें। साथ ही में आज हम आपको बताएंगे आज की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों सरकार की तरफ से लोगों को जो 2,67,000 रुपए दिए जा रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले आइए बताते हैं आपको आज की ताजा खबरें। पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने जारी किए 50 रुपए के नए नोट, गवर्नर शक्तिकांत दास ने किए हैं दस्तखत। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्ति दास के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट मार्केट में जारी किए हैं। इन नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले ये पहले नोट है। इस नोट का डिजाइन हर तरह से महात्मा गांधी की श्रृंखला के 50 रुपए के नए नोट के समान है। आपको बता दें इस नए 50 के नोट में सिर्फ गवर्नर के हस्ताक्षर चेंज हुए हैं। नए नोट जारी होने से आने वाले दिनों में आपको 50 रुपए की मात्रा मार्केट में बढ़ती दिख सकती है और इससे लोगों को आसानी हो सकती है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि देखें वीडियो, कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, एक व्यापारी की हुई मौत। जी हां दोस्तों, ये घटना भोपाल के शकूर खान मस्जिद के पास लालवानी की है, जहां एक प्रेस रोड पर स्थित राम गणेश कॉम्प्लेक्स में मंगलवार शाम को आग लग गई। इसमें कपड़ा व्यापारी संदीप जैन की दम घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें जहां पर ये आग लगी है वहां का एक लाइव वीडियो है, हम आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राशन कार्ड पर हर महीने कितने किलो गेहूं मिलता है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि आज रात से बंद होगी जेट एयरवेज, नहीं उड़ेगा कोई विमान। जी हाँ दोस्तों, एक समय में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज आज रात से बंद हो जाएगी। बैंकों ने जेट एयरवेज को 400 करोड़ रुपए की आपातकाल ऋण सहायता देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें जेट एयरवेज पर अभी बहुत ज्यादा कर्जा है। जेट एयरवेज को 400 करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन बैंकों ने ये रकम देने से इनकार कर दिया है। अगर जेट एयरवेज को कोई भी सहायता नहीं मिलती है तो जेट एयरवेज हमेशा के लिए हो सकता है बंद हो जाए। जिन लोगों ने इस फ्लाइट का टिकट बुक किया है वो लोग अपना रिफंड पा सकते हैं, जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से। और दोस्तों आज की अगली खबर कि इन स्वामी स्मार्टफोन यूजर के लिए बुरी खबर, एमआई फोम पर हुआ ऐलान, खुद एमआई ने बताई ये बात। जी हां दोस्तों, चीन की स्मार्टफोन कंपनी स्वामी के कुछ यूजर के लिए बुरी खबर है। खबरों के मुताबिक रेडमी 6, रेडमी 6A, रेडमी 6Y2 एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट मिल नहीं पा रहे हैं। कंपनी द्वारा एंड्रॉइड पाई अपडेट पाने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में इन स्मार्टफोन का नाम नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी 6 है या रेडमी 6A है या आपके पास रेडमी Y2 है तो आपको बता दें अब आपको कोई भी नया अपडेट नहीं मिलेगा आपके फोन में, क्योंकि अपडेट से इन सभी फोन का नाम हटा दिया गया है। तो जो लोग रेडमी 6 या रेडमी 6A या रेडमी Y2 फोन चलाते हैं, अब उन लोगों को हमेशा जैसा उनका फोन है वैसा ही चलाना पड़ेगा, अब उनका फोन कभी भी अपडेट नहीं होगा। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि महंगे हुए टू व्हीलर, हीरो मोटोकॉर्प ने किया बाइक और स्कूटर की कीमतों में इजाफा, जल्दी और कंपनियां भी कर सकती हैं बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, दोपहिया बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने सभी वाहनों की कीमतों में 1,000 रुपए का तय इजाफा किया है। हीरो मोटोकॉर्प के इस कदम से दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए सुगबुगाहट कर रही हैं। अगर आप कोई बाइक या स्कूटर लेने का मन बना रहे हैं तो वाहन खरीदने से पहले मार्केट में उसकी कीमतों की पड़ताल जरूर कर लें। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि वाहनों की लागत बढ़ने से उसने कीमतों को बढ़ाया है, जल्दी आपको सभी बाइकों पर 1,000 रुपए की कीमत
बढ़ी हुई दिखेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको उस खबर के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। जी हाँ दोस्तों, उस खबर के बारे में जिसमें अगर आप पहली बार घर ले रहे हैं तो सरकार की तरफ से पूरे 2,67,000 रुपए की छूट मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, यानी कि एक न्यूज है, और ये न्यूज है जी न्यूज की तरफ से। आप देख सकते हैं कि SBI ने ग्राहकों को दिया बम्पर ऑफर, घर खरीदने पर मिलेगी 2,67,000 रुपए की छूट। दोस्तों यहाँ पर ऐसे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दें अगर आप किसी भी सरकारी बैंक से अपने घर के लिए कोई कर्जा लेते हैं तो आपको पूरे 2,67,000 रुपए का फायदा होगा। आप ध्यान से इसके बारे में सुन लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें और आप जैसा कि जानते हैं कि सभी जो बैंक है वो कार लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, यानी अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं और अगर आपके पास इकट्ठे बहुत सारे पैसे नहीं हो पाते हैं तो आप लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बहुत सारे बैंक बहुत सारे कम कंडीशन के साथ लोन दे सकती है। आपको बता दें जो उस पर ब्याज लगता है वो ब्याज आपको बिल्कुल ही कम पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें अभी SBI की होम लोन सालाना ब्याज दर 8.60% है, लेकिन अगर आप पहली बार घर लेने जा रहे हैं और आपके नाम से कोई भी घर रजिस्टर्ड नहीं है और आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज पर 2,67,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी अगर आप पहली बार घर ले रहे हैं। आपको बताते हैं आप इसे कैसे ले सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाएं, चाहे आपका SBI में खाता है या किसी में, और आप वहां से एक होम लोन लें। आपको उसी के नाम से होम लोन लेना है जिसके नाम से पहले कोई भी घर या प्लॉट नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने 20,00,000 रुपए का लोन लिया और उस पर 3,00,000 रुपए का ब्याज बनता है कई सालों में, तो जो 3,00,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है उसमें से 2,67,000 रुपए की आपकी सब्सिडी हो जाएगी, यानी आपको ये सरकार की तरफ से 2,67,000 रुपए की छूट दी जाएगी और आपको सिर्फ 33,000 रुपए ही ब्याज देना पड़ेगा। हम ये बात आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहे हैं। तो अगर आप पहली बार घर लेने जा रहे हैं तो किसी भी बैंक में जाएं और होम लोन लें और उसके बाद आपको इसका फायदा मिल जाएगा। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इस योजना के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बैंक से ही संपर्क कर सकते हैं और जो कर्मचारी आपको लोन के बारे में सब कुछ समझाएगा आपको वो इस योजना के बारे में भी समझा देगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि सिर्फ 1 रुपए में खरीद सकते हैं 24 कैरेट सोना, मिलेंगे और भी 5 फायदे। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 1 रुपए में 24 कैरेट सोना खरीद सकते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से आप अभी मार्केट में जाकर सोना खरीदते हैं, यानी आप किसी गोल्ड की दुकान में जाते हैं और वहां पर पैसे देते हैं और आपको सोना दिया जाता है, अब इसी तरीके से आप डिजिटल तरीके से सोना खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पेटीएम, गूगल पे और इस तरह के जो भी ऐप है वो आपको सोना खरीदने का मौका दे रहा है और साथ ही में इसमें निवेश करने का मौका दे रहा है। अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो इससे आपका काफी अच्छा फायदा भी होगा। आपको बता दें इसे डिजिटल गोल्ड निवेश कहा जाता है। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल गोल्ड निवेश काफी सस्ता है। डिजिटल गोल्ड निवेश सिर्फ 1 रुपए में भी किया जा सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो भी ऐप यूज करते हैं गोल्ड खरीदने के लिए उसके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आप कैसे 1 रुपए में निवेश कर सकते हैं, 24 कैरेट सोना खरीद सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि महाराष्ट्र PSC में ग्रुप सी और इंजीनियरिंग सेक्टर में बम्पर भर्तियां, आप भी कर सकते हैं आवेदन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC ने ग्रुप सी और इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी सारे पदों पर आवेदन मंगाए हैं। आपको बता दें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई है ग्रुप सी के लिए और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए 23 अप्रैल 2019 आखिरी डेट रखी गई है। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन करके देख सकते हैं। अब इसमें कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी उम्र होनी चाहिए, आपके कितने आवेदन की फीस लगेगी, आप इन सभी चीजों की जानकारी इस वाली वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने है और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि बाजार से रुआब्जा गायब, लोगों को हो रही है परेशानी। जी हाँ दोस्तों, बाजार में कोल्ड ड्रिंक के कई नए ऑप्शन होने के बावजूद बरसों पुराने शरबत रुआब्जा की बात ही अलग है, लेकिन आजकल बाजार से हमदर्द कंपनी का रुआब्जा शरबत गायब है। शरबत आजम कहे जाने वाले रुआब्जा के बाजार में गायब होने से इसके शौकीन काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें अभी आने वाले कुछ दिनों तक इसमें और
ज्यादा दिक्कत रहेगी, क्योंकि किसी कारणवश जहां पर इसे बनाया जाता है वहां इसे बनाने में दिक्कत आई है। कंपनी ने खुद बताया है कि अभी कुछ दिन का समय लगेगा तभी मार्केट में रुआफजा उपलब्ध हो सकेगा, तो आपको कुछ दिन की परेशानी झेलनी पड़ेगी अगर आप रुआफजा पीने के शौकीन है। आपको बता दें दिल्ली NCR के अलावा UP के शहरों से भी और हैदराबाद से और भी कई शहरों से रुआफजा न मिलने की शिकायत आ रही है, तो जल्द ही उम्मीद है कुछ दिनों में फिर से मार्केट में रुआफजा उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आज 18 अप्रैल 2019 की ये ताज़ा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी और आपको इससे फायदा भी होगा। हम बस इसके बदले में आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगर आप रोजाना ही ताज़ा खबरें चाहते हैं, सरकारी खबरें चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी दबा दें। अगर आप बेल का आइकन दबा लेंगे तो जो भी सरकार की तरफ से ताज़ा खबरें आएंगी, जो नई नई योजना सरकार लॉन्च करेगी, हम आपको उसके बारे में सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।